मैंने मतलब आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर चलते हैं दोस्तों वीडियो नफरत के सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान नफरत की बेटियाँ तोड़ दीजिए जी वीडियो देख चुके हैं फिर से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डी डी रैक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी भाई, सना जी का वीडियो है, यूएसए पेंसिल्वेनिया अनाउंस्ड हॉलिडे ऑन दिवाली, मुस्लिम गर्ल्स रिएक्शन ऑन दिवाली। चलिए वे देखते हैं, बड़ी डिमांड आ रही थी, यानी कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। चलिए लेट्स सी। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोश व खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। इस साल कितने मुस्लिम ममालिक दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को, हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो माइनॉरिटी के, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ वही कहा ना आपने कि जो माइनॉरिटी के फेस्टिवल्स हैं उनको हॉलीडेज नहीं बनाना चाहिए, मतलब उनको घोषित नहीं करना चाहिए, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ओके ओके, पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे की कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ्रॉग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ जिम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में जिम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो जिम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली कोई भी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर जिम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून खुद इस चीज की इजाजत देता है कि अकलियतों को मजहबी आजादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के एक स्टेट की कि वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अकासी करता है कि पाकिस्तान में आने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में, हाँ। जो उन्हें ये हकूक दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो लोग जिम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे। लेकिन अब किसी भी कंट्री में जिम्मी ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत। गजब बेवकूफ लड़की हो बे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मदरसे में भेजते हैं, यहाँ बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आई हो मदरसे से, तुम यही ज्ञान मिलता है मदरसे में, हालांकि वहां के स्कूल कॉलेज भी मदरसे से कम थोड़ी ना है। मतलब टैक्स जो देंगे आपको, जजिया टैक्स देंगे उनको, आप कहेंगी कि जी इनको अलाउड है। अच्छा, अब इसका उलट करते हैं, जो बात आपने कही बस उसमें से मुसलमान नॉन मुस्लिम हटा देना है, वह मुस्लिम ऐड कर देना है कि जहां भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है उनको ना ईद मनाने का पब्लिक हॉलीडे करना चाहिए, ना बकरीद, ना जो भी आप लोगों के त्यौहार मनते हैं, वो सब बैन कर देने चाहिए, उनको बिल्कुल हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई आप नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो अच्छा लगेगा आपको सुनकर? अभी बुक्का फाड़ कर रोने लगेंगी आप अभी कि ये तो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? जरा भी बेशर्म हो गई हैं आप? ये आपने बुरका पहन रखा है, जो भी हिजाब पहन रखा है, लेकिन बेशर्मी आपके दिख रही है, इसके बाहर से अंदर से भी दिख रही है बेशर्मी। उसने आपके तन को ढक दिया, आपकी बेशर्मी को नहीं ढक पाया है वो। अभी आपने जो बात कही है सेम लागू कीजिए उन मुसलमानों पर जो नॉन मुस्लिम देशों में जाकर रहते हैं, जो माइनॉरिटी में है, उनके लिए छुट्टियां ना दी जाएं, उनके लिए उनका कोई पर्व त्यौहार मनाने नहीं दिया जाए, क्योंकि उससे उनका इस्लाम प्रमोट होगा। लेकिन वहां तो कहेंगे अरे ये तो हमारे लिए बड़ा शफाकत का काम है, बड़ा उसका काम है, बड़ा पुण्य मिलेगा हमें, कि नहीं पुण्य तो आपको नहीं मिलेगा, जो भी आपको मिलता है, कि हम तो इस्लाम को फैला रहे हैं। वाह, दूसरे के घर में जाकर आप उसकी रोटी खाएंगे, ये आप में अलाउड है?
लेकिन वो अगर आपके घर आ जाए तो आप उसको लात मारकर भगा देंगे, तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगी, तो काफिर है। यही मतलब हुआ ना इसका। अगर इन बिटिया के मां बाप मुझे सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया शिक्षा दी है आप लोगों ने अपने बच्ची को, इतनी नफरत भरी है आपने अपनी बच्ची के जहन में कि ये अगले ये या तो खुद आतंकवादी बन जाएगी या आतंकवादी बच्चे पैदा करेगी। देखिएगा, नफरती बच्चे ही पैदा करेगी और क्या करेगी। इतनी नफरत भाई, अच्छा है पाकिस्तानियों इसी नफरत में रहो, तबाह हो गए इस नफरत में। नफरत नहीं छोड़नी है, हम लोग बड़े खुश हैं यार। प्लीज प्लीज ऐसे ही बच्चे पैदा करो, ऐसे ही बच्चे बढ़ाओ, ऐसे ही बच्चे सिखाओ, और खासकर लड़कियों को यही वाली तालीम दो कि वो जो बच्चे पैदा करें वो और उनमें नफरत भरें। वेरी गुड, थम्स अप। हैसियत की बुना पर जिम्मी का ये राइट है, तो वो जिम्मी नहीं है इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ जिमियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तसव्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है उसने पब्लिक हॉलीडे। मैडम, पाकिस्तान में भी हिंदू ही टैक्स देता है ईमानदारी से, बाकी तो गरीब है वैसे, और मुसलमान टैक्स चोरी करने में नंबर वन है। इसलिए कहता हूं ना कि आपके प्रोफेट ने कहा चोरी नहीं करनी है, लेकिन आप कर रहे हैं। आपके प्रोफेट ने कहा, और आप कहती हैं आपके आईन में ये बात नहीं है, आपके आईन में बात नहीं है। जाकर पहले बिटिया अपने आईन को पढ़ो ढंग से, कागज में तो बात लिखिए, भले प्रैक्टिकल में होता है नहीं होता है दैट इज डिफरेंट इशू, बट आईन में तो लिखा है। और मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी इस्लाम को, इस्लाम की इंसल्ट करने में माहिर है। अब इस बिटिया ने इंसल्ट कर दी अपने ही मजहब की, इसको आइडिया नहीं है कि कैसे किया, ये अपने ही मजहब को झूठा करार दे रही है। एक तरफ इसी मजहब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जो माइनॉरिटी है उनको तो पूरे हकूक के राइट्स हैं, इस्लाम तो कहता है कि उनको पूरे हकूक दो, ये करो वो करो, और यही है जो इस्लाम का हवाला देकर कह रही है कि नहीं उनको दिवाली होली ये सब मनाने नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल जिमी नहीं है, तुम्हें पता है कि जिमी नहीं है। अब टैक्स चोरी तुम्हारे अब्बू करते होंगे, गारंटी दे रहा हूं, जाके पूछना अपने अब्बू से कितनी टैक्स चोरी करते हैं। जो प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते, जो अपने प्रॉफिट की बातों का हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि मानना ही नहीं है बात हमें, वो चले हैं सिखाने के जिम्मी और नॉन जिम्मी और ये और वो। पूरी दुनिया में आप लोगों के साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। आप लोग नफरती हैं तो आपको नफरत की भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। और जो लाते पड़ रही है ना उधर, और सब भगाए जा रहे हैं अपने अपने देशों में, बहुत जरूरी है समझ। पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया है तो क्या वहां पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज को भी नहीं एक्सेप्ट करती? नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है, पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है, वहाँ पर इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सकाफत हम में भी पाई जाती है। देखिए, जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मज़हब जो है ना वो सेकुलरिज्म की तरह है, और तमाम लोग जो है ना वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है, जबकि बाकी रिलीजन की नस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है, लेकिन जो एक इंडियन रिलीजन है वो सेकुलरिज्म को जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें इस अपने जो है वो अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए, मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ हिंदूज की ये बात नहीं हो रही,
कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर ईद भी मनाते हैं, रबीउल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं, तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हमारे हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, हाँ। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का। लेकिन मैं इनके माँ बाप से फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, आपने अपनी बिटिया को बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छी परवरिश दी है, नफरती बनाया और धेले भर की अकल नहीं दी है। कोई मुसलमान पाकिस्तान के ये साबित कर दे कि ईद की छुट्टी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है भारत में, बकरीद की छुट्टी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है भारत में, साबित कर दे, जो कहेगा कर दूंगा। मैडम कौन सी, एक्चुअली इसीलिए पाकिस्तानी पर ना लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और आप जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों पर से भरोसा उठता है। आप लोग झूठ इतनी सीना चौड़ा करके बोलती हैं या बोलते हैं कि पल भर में आपका भेद खुल जाता है, पल भर में आपकी बेवकूफी झलक जाती है, पल भर में जाहिलपना, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है और पूरी दुनिया कहे ये देखो ये झूठी, ये झूठी, ये मक्कार, ये झूठी, आप लोग साबित हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले जरा पढ़ लिख लिया कीजिए, भारत में ईद और बकरीद की छुट्टियां नहीं है, बाकी मुस्लिम त्योहार की छुट्टियां नहीं है। अबे ऑफिशियल नेशनल हॉलीडे होता है, ऑफिशियल हॉलीडे है पब्लिक हॉलीडे, नेशनल नहीं, पब्लिक हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, पब्लिक हॉलीडे है। लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को सेलिब्रेट इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती, यानी सिर्फ जो माइनॉरिटी है वो सेलिब्रेट करे खुद ब खुद, लेकिन पूरी कंट्री इस त्यौहार में शरीक नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें ना कि अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, इससे नज़र आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। ये किसी ना किसी तरह मेरा ख्याल है इंडियंस को या इंडिया की स्टेट को खुश करने की कोशिश की जा रही है या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये उनसे ताल्लुकात, मुझे ऐसे लगता है ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि क्योंकि वो एक मज़हब जो है वो सेकुलरिज्म को फ़रोग दे रहा है ना, तो बेसिकली जो हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करता है कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। किस तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग इसलिए पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है वो हिंदू हमारे ताल्लुकात उनसे, क्योंकि अमेरिका तो खुद एक पावर है, तो इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को खुश करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना उनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा चलें हम लोगों को अपने ताल्लुकात अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे बनाएं, ना कि हिंदू कम्युनिटी के साथ। मैं अच्छा बिटिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है, कितनी दोगली बातें आप लोग करते हो। अच्छा मैं सादिक खान को जानते हैं आप लोग, लंदन के मेयर हैं, बड़ा आप लोग नाम उससे लेते हो फकर से, अरे पाकिस्तानी मुसलमान है, देखो लंदन में मेयर बना है। अब मैं उसका एक वीडियो दिखाता हूं, जरा देखो सादिक खान इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। एंड द महाराज इफ यू कुड मेक योर वे ओवर देयर प्लीज, थैंक यू, एंड द चेयर इफ यू कुड बी देयर। वेयर दे आर गणपति बाप्पा, देख लिया। ये वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रहा है, अब सच्चा है झूठा है पता नहीं क्या है, वह वीडियो बहुत वायरल है। सादिक खान पाकिस्तानी मुसलमान लंदन में गणपति को, मूर्ति को माला पहना रहा है, मतलब उसने गणपति की पूजा की, बुत परस्ती कर दी सादिक खान ने। आप लोग इतने बड़े अलतकिया के समर्थक हैं ना, इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि जरूरत पड़ेगी तो गधे को भी अपना अब्बू मान लेंगे आप।
समझ रहे हैं? सादिक खान को ऐसी क्या जरूरत पड़ी, वो मुसलमान नहीं है, वो कुरान फॉलो नहीं करता, वो इस्लाम को नहीं जानता, क्या करता है कि उसको जरूरत पड़ गई कि वो गणपति के आके पूजा में शामिल हुआ, माला पहनाया, क्या? क्योंकि उसको लालच है उन हिंदुओं के वोट का जो उसे चाहिए, और उसके लिए वो गणपति पूजा में भी आया। और अगर ज्यादा पावरफुल हो गए हिंदूज ना, तो वो गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगाएगा सादिक खान, एक दिन देख लेना। समझे? कहता हूं ना, पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना, वो अपनी ही बातों में फंसते हैं, अपने आप को जलील करवाते हैं, और हमें बड़ा मजा आता है। पाकिस्तानी होने से पहले मैं एक मुसलमान हूं, और इंसानियत के एहतराम के डेकोरम के लिए मैं एक शेर कहूंगा कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों हिजाबों में रहें। ये जो इंसान ने हिजाब क्रिएट किया हुआ है ऊपर और नीचे का, तनज़ली और पस्ती का और तरफ और बुलंदी का, ये सारे के सारे इंसान को एक ज़हनी डाइग्रेशन देते हैं। रे बाप, बड़ी बात कह दी आपने, श्रीमान जी ने बड़ी बात कह दी। ये वाली लाइन मैंने मारी है राग दरबारी से। अब जिन लोगों ने राग दरबारी पढ़ी है पंडित शिवलाल शुक्ला की, उनको पता है कि ये लाइन कब और कहां बोली गई थी, कि श्रीमान जी ने बहुत बड़ी बात कर दी। ठीक है, तो काहे अपने बेटियों बच्चों महिलाओं को हिजाब पहनवा के घुमाते हो भाई? उतरवाओ हिजाब सारा, आजादी दो उनको, आजाद करो, अपनी मर्जी से वो कपड़े उपड़े पहने। और ये ज़हनी डाइग्रेशन आगे बहुत बड़ी नफरत और मुनाफरत और कीना, इस्तख़फ़ाफ़ और इस्तेहज़ा और तफव्वुक की जबिल्लत की तरफ ले जाता है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो ये सारे के सारे जितने भी हिजाबात हैं शहवात के और नफ्स के तमाम पर्दों को अगर हटा दिया जाए और इंसानों को एक मेज़ के ऊपर लाया जाए, जिसके नतीजे में वो मोहब्बत और मवानिसत के साथ रहें, इल्म के जितने भी डिसिप्लिन्स आज तक पैदा हो चुकी हैं उसमें इल्म का एक डिसिप्लिन है एटिमोलॉजिकल साइंस, इल्म इश्तिकाक, जो लफ्ज़ उसकी तारीख, उसकी पैदाइश, उसके मसादर और उसके मुख्तलिफ हकायक मानी और मतालिब और मारिफ के ऊपर बहस करता है। इल्म इश्तिकाक की रूह से जो लफ्ज़ इंसान है, इसका रूट लेटर या मादा जो है वो अलिफ नून और सीन है, ट्राई लेटरल प्राइमेट के अंदर। इसका मतलब है मोहब्बत, उन्स। इंसान का जो लफ्जी मतलब है वो भी मोहब्बत है। तो इंसानों के दरमियान के अंदर मोहब्बत का जो जज्बा है, न सिर्फ इसको फरोग देना चाहिए बल्कि इसकी तरक्की के लिए और इसके तरफों के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। अमेरिका एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक चैम्पियन मुल्क है, और वो बहुत बड़ी इंसानी कुर्बानी और तगदौ से निकल के उन लोगों ने कुछ अच्छी रिवायात को अपनाया है। उसमें से ये एक जो अच्छी रिवायत जो उसने गेन की है कि बाकी जितनी भी कम्यूनिटीज़ हैं, लाइक हिंदूज़, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट आपने कहा, और इनके दरमियान ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस्लाम सबसे बड़ा चैम्पियन है। इस्लाम सबसे बड़ा चैम्पियन है जो इन तमाम इंसानों को वहदत इंसान और वहदत इंसानियत की तरफ दावत देता है। अरे बाप रे, बड़ी भारी घर भरकम चीज बोल दी आपने। हंसे आ रही है, बहुत भयानक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं बहसियत पाकिस्तानी मैं बिल्कुल इस नज़रिए की हिमायत के अंदर हूँ कि आपको इस तरह के जितने भी त्यौहार हैं
उनके इनेकाद के अंदर पाकिस्तानी अवाम को भी हिस्सा लेना चाहिए और सरकारी सतह के ऊपर इसको एनकरेज करना चाहिए। सर, नो डाउट पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है जो हर साल दिवाली और होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। मैंने खुद जो है दिवाली के और होली के त्यौहारों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का कोई त्यौहार होता है तो इस तरह से इंटरनेशनल इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्यौहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान है, जहाँ बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर बहरान का शिकार है और इन तमाम क्राइसिस से पाकिस्तान को जहाँ पे और डायमेंशन से निकालने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो पाकिस्तान का समाज है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इसके अंदर जितने भी मौजूद कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और अखलाकी त्यौहार मौजूद हैं, उनको ख़ुद पहले तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को इनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। जब ये इन तमाम चीज़ों को ख़ुद से ओन करेंगे और फिर जाके इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर अपनी साख मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर बाकी इंसानियत से भी अपील की जा सकती है कि ताकि उनकी इंटेलेक्ट भी इस जगह पे आके सरेंडर कर जाए कि जो ये चीज़ें उनकी इंटेलेक्ट को अपील करे, तो वो मजबूर हो जाएं कि हम इस तमाम के तमाम जितने भी ये इस मुल्क के अंदर त्यौहार होते हैं उनको हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दें और उधर भी इसी तरह छुट्टी दी जाए या हॉलीडे दिया जाए ताकि ये आज़ादी की तरह आज़ादी के साथ मनाया जा सके। इंडिया एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट बन रही है, ठीक है, उनकी उनके साथ कोलेबोरेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी रिसोर्स उतने ज़्यादा है वहाँ पर, तो सुपर पावर के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट है उसकी कि वो अपने आप को एक्नॉलेज करवा रहा है वहाँ पे, तो लिहाजा दुनिया की भी ज़रूरत है, इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे, बहुत सारे रिसोर्सेज वो हायर करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो कोई मादनियात मिनरल रिसोर्सेज हों, मुख्तलिफ तरह से वो रिसोर्सेज दुनिया से वहाँ पर ले कर जाते हैं, तो वो एक समझे कि मजबूरी है अमेरिका की भी कि इंडिया के साथ अलायंस रखना, क्योंकि वो एक इनका अलायंस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो सकाफत है, उनका जो कल्चर है, उनके जो रस्म व रिवाज हैं, वो गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि 8 के करीब मुस्लिम ममालिक ने दिवाली का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया था। सऊदी अरेबिया की बात करें, हम यूएई की बात करें, इस्लामी ममालिक में भी जो है इनके त्यौहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, दिवाली होली। देखिए, उसकी मेजर तो बाकी मुल्कों के देखे जाए तो मुफाद होते हैं। हाँ। एक दूसरे के मुल्कों के साथ किसी की दोस्ती नहीं होती, मुल्कों के मुफाद हैं, दुनिया को उनके साथ मुफाद है, उनको दुनिया के साथ मुफाद है, वो लोगों की ज़रूरत बनते जाते हैं आने वाले वक्त में, और उनकी हुकूमत की पॉलिसी इस तरह से है कि वो लोगों के साथ अच्छा फेमिलियर वे में अब दूसरे मुल्क के साथ अपना रिलेशन कायम कर रहे हैं, तो इसलिए है ना, हमारे उनकी डेमोक्रेसी पॉलिसी इस तरह से है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनका अलायंस अच्छा है, तो इसलिए वो एक्नॉलेज अपने आप को करवा रहे हैं ना। हम अगर किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो हम उसको एक्नॉलेज करवाएंगे ना, उसको कोई बात कहेंगे तो वो हमारे एक्सेप्ट करेगा। सर, कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो तो कहीं पे इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया गया हो या पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई हो? क्योंकि हमने देखा कि 15 अगस्त पे भी बुर्ज खलीफा पर जो है इंडिया का तिरंगा लहराया जाता है लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं, अमेरिका की गली गली में इंडिया का तिरंगा निकलता है लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। मैडम, पाकिस्तान जब से बना है तब से ही अमेरिका इसको सिर्फ यूज़ करता रहा है। अच्छा। कभी भी इसके हक में नहीं रहा, इसको यूज़ किया उसने जितना हो सका। एक्चुअली उसकी जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ ही है, उसी के थ्रू सारी अपनी पॉलिटिकल जो एशिया में है उसी के थ्रू अपनी सारी पॉलिटिकल गेम खेल रहा है पाकिस्तान, उसको उसने हमेशा यूज़ किया पाकिस्तान को, तो इसलिए उनके साथ रियल रिलेशन है, हमारे साथ सिर्फ सर हम यूज़ होते हैं ना, इसलिए हमें यूज़ किया जाता है, वरना लोग इंडिया को भी इसी तरह यूज़ कर सकते थे, लेकिन इंडिया यूज़ नहीं हुआ, इंडिया ने सबको, किसी ने अगर इंडिया की तरफ उंगली उठाई है तो इंडिया ने वो उंगली तोड़ के उसके हाथ में दे दी है। उनकी देखें पॉलिसीज किस तरह से है, उन्होंने अपनी मईशत को किस तरह से उठाया, वो एक एग्जाम्पल है, चाइना के बाद हमारे सामने दूसरी एग्जाम्पल है कि जिस तरह से वो अपने मुल्क को उठा रहे हैं, उनकी आबादी देखे 1.25 अरब से प्लस जा रही है तकरीबन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से, जम्मू कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम देखते रह गए, यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया, हम देखते रह गए, अब जो है अमेरिका के अंदर एक स्टेट के अंदर दिवाली पर पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी गई है, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह पूरी दुनिया पर गालिब आया हुआ है, पूरी दुनिया की दौड़े लगी हुई है इंडिया की तरफ।
मैडम उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वो देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में उनके साथ रिलेशन है ना, वो अपनी इस हद तक अंडरस्टैंडिंग बनवाई जा रहे हैं कि अपने बात को, अपने प्रोफेशन को, अपने मज़हब को जो है ना तकवीय दे रहे हैं। उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में रिसोर्सेज एज ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। हम मुसलमानों की ये हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और इनको मुईशत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, इंडस्ट्री की तरफ कोई फोकस ही नहीं है। सिर्फ ये है कि टैक्स में भी अगर क्या परफॉर्मेंस है, सिर्फ टैक्स रेट बढ़ा दिए, कोई मतलब कोई इनकी कोई खातर को ऐसी प्रोग्रेस नहीं है जिसे कंट्रोल किया जा सके, ऑटोमेशन इस है नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बड़ी डिटेल बात हो सकती है जो हमारी नाकामी का सबब है। लेकिन पाकिस्तान में अब दिवाली और होली सेलिब्रेट की जाती है, हमने देखा है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हम होली का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, दिवाली भी मनाई जाती है। ये तो खैर हमारे लिए तो बदकिस्मती और शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अगर उनको कॉपी करते हैं, अपने कल्चर को मज़हब को छोड़ के हम अगर ये दिवाली मनाते हैं। हमारा मज़हब तो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मेरे रवैये में। दिवाली और होली मनाने से मुझे नहीं लगता कि हमारे मज़हब पे कोई ख़तरा आ सकता है। हमारा तो मज़हब, हमारा तो कानून खुद कहता है कि अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैडम अकलीतों का तहफ्फुज दो ना, अकलीतों का तहफ्फुज मतलब कि वो जो मर्जी करें उनको आज़ादी दें, ये नहीं कि आज़ादी दें उनको, मजहबी आज़ादी दें। तो ये मुसलमानों के लिए होली मनाना तो नहीं मुनासिब कि ये जो जिस तरह का कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जो रवैया वहाँ पे अपनाया जाता है, ये मुस्लिम रिलीजन क्या इसको अलाउ करता है? अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हिंदू भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक कह के उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पर। साडा कोई भी मुल्क है या किसी भी मुल्क असं रन आए तो अकलीतों जोड़ा ना तहफ़ भी देना चाहिए, उन्होंने कोई भी त्यौहार आंदा है ना उन्होंने मना। चलिए छोड़िए, बात ख़त्म करते हैं। बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं। पहली बात मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा कि ऐसा है कि पहले अपने शादी ब्याहों से ना, निकाह जो करते हो वहाँ से हिंदू रिवाजों को ख़त्म करो फौरन। गोद भराई, मेहंदी, ये वो फलाना ठिकना फौरन हटाओ। संगीत भी होता है तुम्हारे यहाँ, फौरन हटाओ उसे, ये हटा लेना। फिर बात करना है कि फलां देश में हिंदू त्यौहार को लिए छुट्टी हो गई, फलां देश में हो गई, हम देखते रह गए। आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, आपका कल्चर कुछ नहीं है। अगर आप अपने कल्चर की बात करेंगी तो वो इंडियन कल्चर है, अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगी तो वो इंडियन आइडेंटिटी है। लेकिन आप लोगों ने फेक कल्चर और फेक आइडेंटिटी को अपनाने की कोशिश की है उस जगह की जो आपसे मेल नहीं खाती। कजाकिस्तान ने शायद किसने बोला कि हम मजहब हमारा, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है लेकिन हम अपना कल्चर नहीं बदलेंगे, सऊदी अरब का कल्चर नहीं लेकर आएंगे। तो उसने वहां पर दाढ़ी रखने से मना कर दिया, हिजाब पहनने से मना कर दिया, वो सऊदी अरब वाली ड्रेस पहनने से मना कर दिया, बोला कि यहां की जो ड्रेस है वही पहनी जाएगी क्योंकि यही यहां का कल्चर है। मजहब भले इस्लाम है, कल्चर यहां का होगा, वो अपनी पहचान खोने नहीं देना चाहते, लेकिन आप अपनी पहचान खो चुके, पहली बात। दूसरी बात, होली दिवाली मनाना, रंग एक दूसरे को लगाने से क्या ये पूजा की जाती है क्या? रंग एक दूसरे को लगाना पूजा है? ये पूजा तो नहीं। दिया जलाना, पटाखा फोड़ना, मिठाई खाना, ये पूजा है क्या? नहीं। आपसे किसने कहा है कि आप जाके लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी पड़ेगी? आपको मत करिए, आप दिए जलाइए, पटाखे फोड़िए, आप मिठाइयां खाइए, पूजा करने को तो किसी ने नहीं बोला आपको। ठीक वैसे ही होली में रंग लगाइए, खाना पीना कीजिए, घूमिए फिरिए, रिश्तेदारों के यहां जाइए। किसने कहा कि जाके होली में पूजा करनी है आपको? आपने किसी को नहीं कहा आपने कि पूजा करिए। पूजा करना मना है आपके यहां, रंग खेलना मना है क्या? खाना मना है क्या? मिठाइयां मना है क्या? एक दूसरे के घर जाना मना है क्या? दिए जलाना मना है क्या? पटाखे फोड़ना मना है क्या? और सबसे अहम बात, हमारे त्योहारों को देखकर किसी को डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता। मुहर्रम देखकर पूरी दुनिया में लोग खौफ में आ जाते हैं, जो वो मारा जाता है एक दूसरे पर। आपको भले आपके लिए वो चीज है, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए वो वायलेंस दिखती है, खून निकालना, मारना, अपने आप को कष्ट देना, वायलेंस दिखती है जो सड़क पर प्रदर्शित की जाती है। आपको ऐसा करना, आप घर में बैठिए, आराम से अपने दुख का इजहार कीजिए, आप वैसे करिए, उनको अपने आप को सजा दीजिए। लेकिन जब बाहर जाकर उसका प्रदर्शन करने लगेंगे, उससे लोगों को खौफ आता है। पॉइंट समझिए मेरा,
तो दुनिया देखती है, मैं तो कई ऐसे वीडियोस देख चुका हूं जिसमें लोग हैरान है कि हो क्या रहा है ये सड़क पर। इस बात को समझिए, और किसी ने फोर्स नहीं किया है भाई, आपको आना है आइए, हमारे लिए तो वेलकम है, हमारे में किसी की मनाही तो है नहीं, आप आइए हमारे में शामिल होइए, घर जाइए, हमने कौन सा आपने कहना है कि आप पूजा करिए बैठ के। लेकिन बेचारा सादिक खान तो उसको पूजा करनी पड़ गई। खैर जो भी है, आप बताएं दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। अच्छा इससे मेरी बेटी ने बहन ने बातें कुछ नाम बना सकी हैं जो कि आई थिंक मुझे सुनने करना चाहिए। तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर अकलीतें हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, उनको छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। हमारे यहाँ एक शायद आपको तो नहीं पता, दिसंबर 20 दिसंबर या 20 दिसंबर से भी पहले ना हॉलीडेज हो जाती हैं और 10 हॉलीडेज होती हैं। जब हम छोटे थे ना उसको तो हमें ये बताया जाता कि सर्दी की छुट्टियाँ, झूठ झूठ वो, और किसकी अभी भी नहीं पता किसकी छुट्टी होती है शायद, वो लेकिन मेरे माइंड में नहीं है क्या? नहीं पता, अफसोस है। वो क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं, हाँ होती हैं बिल्कुल, आज तक भी होती हैं, 10 छुट्टियाँ होती हैं, बताया यही जाता है कि वो सर्दियों की छुट्टियाँ। हमें बच्चों को ये गलत शिक्षा दी जाती है कि भाई ये सर्दी बढ़ गई है फिर यकम जनवरी से शुरू होता था। कौन इतनी छुट्टियां करता है? कोई भी नहीं करता होगा। और ये छुट्टियां जस्ट ईसाइयों के लिए, पूरी सरकारी छुट्टियां मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन देखो मुस्लिम हर जगह पर चलते हैं, ये ऐसा नहीं है पर हम मुसलमान, आप देखें लेकिन दिवाली दूली की छुट्टी नहीं होती, होली की नहीं होती, इधर होली होती ही नहीं, कहां पर होती है? फैसलाबाद, पाकिस्तान में, फैसलाबाद नहीं, पाकिस्तान में सिंध के एरियाज में होली लोग हैं, हां होती है उधर, वहां पर छुट्टी भी होती होगी, छुट्टी के बारे में कंफर्म पता नहीं है, तो होती होगी क्योंकि वहां पर जहां मेजॉरिटी है। जिस तरह हम करते हैं ना ईसाइयों के लिए छुट्टियां, इस तरह हम हिंदुओं के लिए छुट्टियां नहीं करते, पता नहीं ये सच है, पता क्या है, ये मोटी सी बात है। जब पूरी पाकिस्तान में छुट्टियां सर्दी की हो गई जाती है स्कूलों कॉलेजों को, तो फिर होली और दिवाली का भी होनी चाहिए। अब दिवाली है, मेरा ख्याल दिवाली है ना, हाँ नहीं तो देखो ना कि दिवाली ईसाई है ना वो दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले मुसलमान है दूसरे नंबर पर, वो है मेजोरिटी में, मतलब तुम्हारे नजदीक की ज्यादा तादाद होगी उनकी से ज्यादा होगी, नहीं बात नहीं है वो यार, अगर देखे तो फिर हिंदुओं की भी छुट्टियां, आप सिंध में हिंदू है ना ज्यादा, तो उनको सरकारी छुट्टी होनी चाहिए होली और दिवाली की, जो भी होती नहीं होती सिंध में, पता नहीं मुझे तो इसके बारे में नहीं, नहीं होती फिर नहीं होते तो होनी चाहिए। चलो ये खैर, बाकी ये है कि मैंने एक हमारे इधर फैसलाबाद में मंदिर है, मैं उसका कल गया वहां पर, मैंने उस पर विलाव भी किया यार, इतना उसकी बिल्डिंग, इसकी कह लें कि स्ट्रॉन्ग तकड़ी जो है ना, उसकी ईंटें लगी हुई हैं, पता चलता कि यार ये पुरानी बिल्डिंग है और उसके ऊपर डिजाइनिंग हुई हुई है। और मैंने वहां पर, मुझे इजाजत नहीं मिली ऊपर जाने की मंदिर में, नहीं तो मैं छोटा सा विलाव जरूर बनाता, तो फिर कभी गया तो वैसे दूर से बना दूंगा। तो वो मंदिर है, वो कहते हैं कि 500 साल पुराना, वहां पर भाई जो जिनकी दुकानें हैं ना, मैंने उनसे पूछा, अगर कोई बुत शुत नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं, हाँ मैं अंदर गया, मुझे अंदर जाए क्योंकि मेरे पास माइक था, ऑफिशियल कार्ड भी था मेरा, तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया, मैंने उस पर विलाव बनाया, लोगों से जानकारी भी ली, इसी चैनल पर गया, वर्ल्ड लेवल पर गया, ओल्डेस्ट वीडियो होगा, हां मैं सुनूंगा।
इसको देखने अगर ये सही हालत में होता तो लोग इसको दूर दूर से देखने आते। हमने नफरत की आग में देख ले के एक दूसरे का नुकसान कर दिया है। आपको पता है लंदन का मेयर कौन है? सादिक खान। शायद उसका काम देखे, वो क्या जन पापी कौन था, जल मूर्ति था, उसको हार माला हम बोलते हैं, हार बनाते हैं, उसको हार बना रहा। अब ये सीन क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा होगा? हिंदुओं को खुश करने के लिए या खुद हिंदू हो गया? माला पहना रहा है, आपने देखा बुत को। अब माल का दार मदार नीयतों पर है, अब अल्लाह जाने इसकी नीयत क्या है, क्या क्या सकता है इसके बारे में। यही है ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अमाल का दारमदार नीयतों पर है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अमाल को नहीं देखेगा, नीयत तकवा को खलूस को देखेगा। तो पता नहीं उसके दिल में क्या है भाई, वो तो मैं इसके बारे में नहीं कमेंट कर सकता। बहरहाल देखने में ये है कि उसने गलत किया है, मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल में उसका क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, उसका खुदा वो ही जानता है। हम मुझे तो बुरा लग रहा है, हकीकत बात है कि मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी अलोक सर ने, अलोक सर ने हमारे आका दो जहां पर बात की कि आपके प्रॉफिट ने, हाँ। मतलब जिस लहजे में बात की मुझे तो वो लहजा भी पसंद नहीं आया यार। एक नंबर का ये बगैरत है, अब मुझे मुझसे पूछोगे क्यों नहीं? पूछो पूछो बात नहीं पूछो भाई, मैंने वो सुनी है, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा लफ्ज यूज किया है। बगैरत इस नंबर एक ये पाकिस्तान में कितनी छोट, इसने सारा वो कवर नहीं किया, मारे डाटो मारे मलोच आई है उधर इस्लामाबाद में, इसने सारा कवर किया है। पाकिस्तान गधे बेच रहा है, इसने कवर किया है, गधे बेच रहा कवर किया है, लेकिन इसके नजदीक इंसान की इतनी थोड़ी कीमत है इंसानी जान की। मणिपुर में मैंने वीडियो से पहले मैंने सर्च किया है, 36 घंटों में 249 मतलब 250 जो है ना ये जो चर्च है ये जलाए गए, डिस्ट्रॉय किया गया है। और आपने सर्च किया था कल के परसों, वो 300 ये 36 घंटों का सिर्फ बात बता रहा हूँ। और जो है ना चार तकरीबन जो है ना 300 लोग मारे जा चुके हैं सितंबर से लेकर शायद मतलब के अगस्त लेकर आज अक्टूबर तक 300 बंदे मारे गए हैं और 60 जो है ना हजार वो जो है ना जख्मी हुए हैं। कभी वीडियो बनाइए कुछ नजर नहीं आ रहा, ये सर्च करो। मैं भी समझा यार पाकिस्तान मीडिया से एक दूसरे का काम है तो दूसरे एक कंट्री की दूसरी कंट्री को जो है ना गलत बातें बताना, वो मैंने भी सर्च किया, मैंने देखा, मैंने कहा आलोक सर की हमारे जड़ा वाला में चर्च चले, हमने कवर किया, शुएब भाई ने कवर किया, हमने उस पर वीडियो सुनाई, हमने उसको कंडेम किया, उसको गलत बोला। मणिपुर के अंदर ये मैं कितने सालों से चल रहा है, मणिपुर के अंदर मैं अगले दिन सर्च कर रहा था, मुझे भाई ने टास्क दिया था, जड़ा वाला जो हमारा इंसिडेंट हुआ ना पाकिस्तान में जो चर्च जिले उस पर मुझे टास्क मिला था वो मैं उस पर सर्च करनी थी, तो वो मैं कर रहा था। तो मतलब मेरे सामने मणिपुर की बात आ गई, तो मैंने जब वो वीडियो ओपन की तो वो इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा था, ये इंडियन मीडिया भी नहीं था, पाकिस्तानी भी नहीं था कोई, मुझे अब चैनल याद नहीं, कोई पता नहीं यूके का था या यूएस किसी और चैनल की वीडियो थी, तो उन्होंने बताया था इंग्लिश में ही थी सारा कुछ, पूरा चैनल इंग्लिश में था, उन्होंने बताया 300 चर्च जलाए हैं मणिपुर में, 300 पाकिस्तान में जो चर्च जले हैं वो मेरे ख्याल में 27 हैं या 28 हैं, 27 चर्च जले हैं। अच्छा। और उधर 300 चर्च जले हैं और एक वीडियो लोग सर किस पर नहीं है, नहीं यकीन ना, इसी वर्ल्ड रियल का जो नीचे लिंक है उधर तो डिस्क्रिप्शन में तो उसको लिंक को क्लिक करो, आगे सामने आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप आ जाएगा, मैं वहां पर सबूत दूंगा जिस भाई ने भी लेने वहां पर ले ले, क्योंकि एडिटिंग में खैर हमारे पास इतना हम नहीं कर सकते, एडिटिंग में टाइम नहीं होता, तो वहां पर मैं जो है ना सेंड कर दूंगा, चेक कर लेना सबूत। मैंने क्या करने है आपको खुद को पता है, सिर्फ पाकिस्तान पर बातें कसनी होती हैं, जिस लहजे में तुम बात कर रहे हो ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो ये किसी इंडियन मुस्लिम के पास ये बात है तुम्हारे अलग से तुम्हारी जुबान खींच लें। मैंने वो लफ्ज सुना है जिस तरह मैंने वो गौर किया है, लेकिन वो पहले वीडियो मेरे माइंड में नहीं आया,
तो पता नहीं तुम्हें कौन सी जज या तुम नहीं जो है तुम हिंदू कभी भी उनका कहने के मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते कभी भी। या मुकाबले ना मुकाबले की बात नहीं, इधर तो यार क्यों इधर हर एक बात पारित करने बैठ जाता इधर है एक ये। दूसरे को इज्जत देने की बात है। हम अगर इस लहजे से आपके कृष्णा है आपके रविशंकर कोई भी है पहले नहीं पता था, ये आपके इन वजह से हमने थोड़ा बहुत अगर सर्च किया पर फिर हमें भी पता चला है। हम अगर इस तरह बोले इस ताने तशना कसे सख्त लहजा बोले क्या पसंद करोगे? आई थिंक अगर आप सच्चे हिंदू होगे तो कभी भी पसंद नहीं करोगे। मैं विष्णु के बारे में यहाँ पर बोल सकता हूँ मेरा क्या उखाड़ लोगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा दीन नहीं इस बात की इजाजत देता। हमारा तो खुदा ये कहता है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा ना करो ताकि तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कहे। ये हाँ बिल्कुल। तो इतने साल हो गए लोग सर हमारे इस्लाम पर हिट करते आ रहे हैं, मजाल है जो हमने भी कभी किया? ये है तरबियत, ये है असल हमारा दीन है, आपके सामने बैठे हैं, ये असल हमारी तरबियत है। इतने ही आप जिच कर रहे हैं, हालांकि मैं कई मतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे लोग हैं, हमारी आवाम है, कुछ भी आप बोलो हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप इस्लाम में घुसते हैं और खास खास जब आप हमारे आका है दो जहां सरवर कौन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जब लहजा और इस तरह का टोन इस्तेमाल करते हैं तो तन बदन में आग लग जाती है, आपको नहीं महसूस होती, लेकिन फिर भी कंट्रोल में बैठे। हमें भी पता है इतना हिंदुओं के बारे में, हमें सब पता है, पता है अब पता चल गया, पहले नहीं था पता, लेकिन गुरेज करें आप इन्हीं हरकतों की वजह से हमने थोड़ा बहुत सर्च किया, अभी भी थोड़ा बहुत किया, इतना ज्यादा नहीं किया तो इसलिए ये आग ना भड़काएं। बनाओ तो मणिपुर में वीडियो बनाओ, क्यों नहीं बनाते? रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये आग ना भड़काएं, जो आप आग भड़काना चाहते हैं लोग सब मजहब को हिट कर दे, ये आपके नुकसान दे। हम इधर तो आप कहने की जरूरत नहीं, तुमको हमें क्या जरूरत तो है? ये उनको किसी मुस्लिम इंडियन मुस्लिम को सही मानो में इन चीजों की समझ आ गई जो आप बोल रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, सच इतना घटिया कह लें कि वो मोहम्मद बिन सलमान हो चुका है मस्बी लिहाज से, उसने पता नहीं क्या कुछ करवा दिया है, म्यूजिक अलाउ करवा दिया है, उसके टीचर रख दिए, लेकिन एक मरतबा वो तुम्हारी बॉन्की ने वो कहा था निपुल शर्मा ने बात की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसने भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर बायकॉट लगा दिया था, इतना बगैर हम एक ही जात है अल्लाह और अल्लाह के नबी की जात जिस पर हम कंप्रोमाइज करते हैं। हमें नाम साओ जो है ना कुछ ऐसा करने हम अगर बोलने पे आ जाए तो फिर आई थिंक आप मुंह नहीं छुपा पाओगे, इसलिए चलें गुरेज करें। मैं कई मतबा ये अभी तक हमारी दीन की और हमारे घर की तरबियत है जो हमें आपके दीन पर बोलने की इजाज़त नहीं देती, ये हमारे नबी की तरबियत है जो हमारे नबी और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने हमें बताई हुई, अदरवाइज वो क्या मेरे शेर भी इस पर याद आ गया, ये जर्फ है कि खामोश हो अब तक वरना तो तेरे भी ऐब मालूम है सारे, तो बात यही है जर्फ की बात है वरना ऐब तो आप में भी बहुत है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक चाहता गौरव दास जी।